दोस्तों आपका अपने चैनल ग्रेटेस्ट टीम बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज फिर से आप लोगों को अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज, और उससे पहले हम लोग यहां पर एक स्टोरी समझते हैं। एक बार क्या हुआ था कि मेरे सामने एक स्टूडेंट आया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में निगेटिविटी बहुत ही ज्यादा भर जाती है, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि मैं कोई भी काम इस दुनिया का नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। इतनी ज्यादा निगेटिविटी माइंड में बढ़ जाती है। अब जब वो स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि भैया आप कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार मेरे माइंड में ऐसी थिंकिंग आ जाती है कि मैं इस दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ आप क्यों नहीं बताते हैं कि मैं इस नेगेटिविटी से दूर हो जाऊं, मैं पॉजिटिव हो जाऊं। मैंने थोड़ी देर उसकी बातों को पूरा सुना और थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम बर्बाद। जैसा ही मैंने ऐसे कहा, उसके चेहरे में एक क्या हो गई, खामोशी आ गई। यानी वो ऐसा लग रहा था कि गुस्से में हो। अब जब वो गुस्से में हो गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम आखिर गुस्से में क्यों। तब उसने मुझसे कहा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं बर्बाद। मैंने कहा अभी तुम ही तो गा रहे थे अपने मुंह से कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, मेरे माइंड में नेगेटिविटी पड़ी है, मैं नहीं पढ़ सकता। तो इसका मतलब तुम बर्बाद हो, तुम अपने मुंह से गा रहे हो तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। मैंने कह दिया तो तुम्हें बुरा लग। थोड़ी देर उसने सोचा और एक स्माइल के साथ वो यहां से कह चला गया। और नेक्स्ट डे जब आया तब उसके चेहरे में क्या काफी चेंजमेंट मुझे दिखा।